वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और सबसे बेहतरीन और सबसे अहम खबर के पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में फातहाना आगाज हुआ और पाकिस्तान ने नेदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दी। पहले मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर नहीं खेले, 49 ओवर में पाकिस्तान की सारी टीम आउट हुई और 286 रन स्कोर किए। जवाब में नेदरलैंड की सारी टीम 41 ओवर में आउट हो गई और नेदरलैंड ने 205 रन स्कोर किए। इस हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के लड़कों ने आज 286 रन स्कोर किया, क्या पाकिस्तान का स्कोर 325 या 350 नहीं होना चाहिए था, इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है उस हवाले से बात करेंगे, बहुत सारी खबरें। और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ वर्दा मजहर। वर्दा कैसी यहाँ पर मैच बड़ा जबरदस्त चल रहा था आज, आप भी बड़ा इंजॉय करी थी मैच को? इंजॉय तो बहुत किए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का पहला सीरियस वर्ल्ड कप मैच था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो थी मेरी भी और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों की कि पाकिस्तान दो वार्म अप्स के बाद जब आएगा ऑन ग्राउंड सीरियस एक मैच के लिए, टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, तो वो एक अच्छा टारगेट देगा अगर बैटिंग का मौका उसको पहले मिलता है। वही आप वाली बात है कि 300-350 तक का टारगेट देना चाहिए था, प्लस नेदरलैंड्स के साथ इनको मौका मिला था, इनको इसका एडवांटेज उठाना चाहिए था कि वो इसको या तो टारगेट ज़्यादा दे देते या फिर उनको कम रन बनाने देते और ज़्यादा रन रेट से उनसे मतलब विक्ट्री हासिल करते। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान ये जो नेदरलैंड वाला मैच था ये तो वैसे बोनस था पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम वर्ल्ड कप की टीम्स हैं वो इसको एज अ बोनस ही खेलेंगी और उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा रन रेट है वो हासिल करने में कामयाब हों। कल जैसे न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट इंग्लैंड एक रन रेट जो अपना, क्योंकि 9 मैचेस आपने खेलने हैं और 4 टीमों ने आगे जाना है तो यकीनी तौर पर जो मामला होगा वो रन रेट के ऊपर ही होगा। चलें इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक साइकोलॉजिस्ट हैं तैमूर खान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर भाई वेलकम करते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया नवीद। तैमूर भाई पाकिस्तान ने आज नेदरलैंड के खिलाफ मैच खेला, पाकिस्तान के लिए बोनस मैच था और बोनस कितनी हद तक हम लेने में कामयाब हुए? 81 रन से तो हम मैच जीत के 0.72 हमारा रन रेट भी हो गया हुआ है, फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान को जिस रन रेट के साथ इस मैच को जीतना चाहिए था, जिस मार्जिन से जीतना चाहिए था, क्या हम वो अचीव कर पाए या नहीं? नवीन देखें बोनस तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी टीम जो है वो बोनस या वॉक ओवर नहीं होती है, खासतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में। आई थिंक दे डिजर्व रिस्पेक्ट फॉर क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप और जिस क्वालिफाइंग एक हार्ड प्रोसेस से वो गुजर के आए। हमें T20 का वर्ल्ड कप नहीं भूलना चाहिए, अभी कुछ महीने पहले ही जब नेदरलैंड ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसके अंदर, और ये वही नेदरलैंड थी जो ऑलमोस्ट हमारे साथ अगर हम जीतते या वो जीतते तो वो, बल्कि बाबर की और उनके कप्तान की एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई जब पाकिस्तान टीम ग्राउंड के अंदर एंटर हो रही थी कि उन्होंने बाबर से ये कहा कि अब तुम्हारे ऊपर है ये जी। तो नेदरलैंड हैज़ बीन, देखिए नेदरलैंड के सारे जो प्लेयर्स हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले ऑल अराउंड द ईयर। क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है नवीद, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप नेदरलैंड के प्लेयर्स नज़र आते हैं, इसके अलावा प्लेयर्स के पास इतना, और अगर आप इनकी क्रिकेट देखें तो इनके पास 3 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेल रहे हैं जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सही। सो इस वजह से नेदरलैंड इज नेवर अ बोनस और नेवर अ वॉक ओवर। आई थिंक नेदरलैंड की बहुत ही एक अच्छी बैलेंस टीम है और हम देखेंगे कि वो वर्ल्ड कप में आके किसी ना किसी टीम को जरूर अपसेट करेंगे और बड़ी कोई मेजर टीम को अपसेट करेंगी। पाकिस्तान में आज बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है नवीद, विकेट शुरू में थोड़ा सा मुश्किल था, खासतौर पे जिस तरीके से हमने पहले ओवर से बॉल को टर्न होते देखा और जिस तरीके से अरियान दत्त ने जो ऑफ स्पिनर है उन्होंने नया बॉल किया और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की और तेज थोड़ा सा उन्होंने अपनी पेस को जिस तरीके से वेरी किया है और वेरी के वेरिएशन के साथ उन्होंने बॉल पे जो उनको ब्रेक मिल रहा था ऑफ द पिच तो उससे जाहिर है वो विकेट आपको पता लगता है। इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे विकेट्स का जो नेचर है वो बहुत चेंज हो चुका है, सेकंड इनिंग में हमेशा आसान हो जाती है, पहली इनिंग के अंदर विकेट जो भी कुछ होगा वो विकेट जिस तरीके से भी प्ले करेगी वो आपको नजर आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम सेकेंड टाइम पे जब लाइट से इफेक्ट होता है थोड़ा सा ड्यू का भी फैक्टर आता है तो बॉल जो है वो अच्छा स्केट करता है, ठीक है, इतना ग्रिप होता ऑफ द पिच। सो देयरफॉर आई थिंक पाकिस्तान, आपकी ये बात मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान को मे बी 320 तक देखना चाहिए था लेकिन शुरू में हमारी 38 पे नहीं। तैमूर भाई मैं आप टीम के साथ रहे भी, आपने क्रिकेट भी खेली और पूरा टाइम सारा आपकी नज़र क्रिकेट पे होती है, आप इंग्लैंड में अभी और वहाँ पर भी काउंटी क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं आप, मैं ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ इन 10 टीम्स में एक टीम जो सबसे कमतर रेट किया जा रहा है वो नेदरलैंड की टीम है, देन आपने भी जैसे कहा कि 320 होने, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको कम से कम 325 या जो पिच है वो ये बता रही है कि आपको 350 तक भी आप स्ट्रगल करके जा सकते थे, आप सर
दुनिया में जो टॉप 10 हैं ओडीआई में बैट्समैन, वो तीनों के तीनों आज हमारे चारों शाने चित हो गए। आप क्या समझते हैं, क्या नेदरलैंड की बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत था? बाबर आजम गए, फखर जमान गए, इमामुल हक गए, और देखें इत्तफाक से तीनों के तीनों आपके ऑलमोस्ट टॉप 10 के अंदर मौजूद हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान ने आज मैच तो जीत लिया, गलतियाँ कहाँ हैं हमारी जो बैटिंग लाइन है टॉप ऑर्डर की, जो हमारी बैटिंग लाइन आप है? नवीन, मेरे ख्याल में किसी भी टीम को अगर आप उठा के देखें तो जो अगर आपके टॉप के जो तीन प्लेयर हैं उनमें से एक को बड़ा स्कोर करना पड़ेगा टीम को 350 तक जाने के लिए। 350 मेरे ख्याल में पार स्कोर होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर। कोई भी टीम जो 375 और 400 करेगी वो जाके सेव होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इंग्लैंड बहुत एक अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है। वो भी नाकाम हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए। पहले बैटिंग करना यकीनन मुश्किल होगा इंडिया के अंदर, चेस करना आसान होगा। मे बी पहले 10-15 ओवर जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। जो टीमें वहां पे अपनी विकेट्स इन दो मैचों से, तो यही चीज जाहिर हो रही है कि जो टीम्स अपने टॉप थ्री उनके बैट्समैन अगर 10-15 ओवर को सी ऑफ करते हैं इवन 5 की एवरेज से और उसके बाद फिर अटैक पे जाते हैं तो टीम्स फिर भी इतना इनफ टाइम होता है कि 350 कर सकेंगे। मेरे ख्याल में जो 338 में हमारे आउट हुए, बाबर का एक इम्पैक्ट है टीम के ऊपर। देखें बाबर बैकबोन है टीम की, बाबर जब भी आउट होंगे तो टीम जो है वो थोड़ा सा शेकी होगी, थोड़ा सा वहाँ पे क्वाइट पीरियड आएगा, दूसरी टीम का मोराल ऊपर होता है, वो फिर प्रेशर डालते हैं। लेकिन देखें गुड साइन क्या है यहाँ पे, साउथ शकील की इंक्लूजन और फिर उसकी बैटिंग, क्या मेच्योरिटी के साथ उसने बैटिंग की है, जो उसकी और रिजवान की जो पार्टनरशिप हुई है जी, मतलब वो पाकिस्तान को मैच में वापस लेके आई। और फिर उसके बाद शाब और नवाज के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म था दोनों के ऊपर, दोनों ने अगेन 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप की ऑलमोस्ट मोर देन रन अ बॉल के साथ। सो गुड साइंस है पाकिस्तान के। सर इसके अलावा बॉलिंग के अगर अंदर आप देखें तो हसन अली ने इतना बेहतरीन नया बॉल किया आज। एक शाहीन पे वो अटैक कर रहे थे जबकि हमेशा रोल रिवर्स हुए हैं यहाँ पे। शाहीन जो है वो नए बॉल से बहुत डेंजरस हैं लेकिन जो ऑफ द पिच और जिस लाइन और लेंथ के साथ हसन ने पहले 5 ओवर किए हैं वो बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त। इट वाज वेरी प्लीजिंग टू सी, प्लीजिंग टू सी क्योंकि आप हसन को इतने अरसे बाद वापस टीम में देख रहे हैं और पता है कि हसन अली नया बॉल कितना अच्छा करते थे पाकिस्तान के लिए जी, और उन्होंने आज वो चीज की। फिर हारिस राव हमें पता है बहुत डेंजरस है, बिल्कुल वो बैटिंग का शायद वो स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम को इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो टीम ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलेगी वो कामयाब होगी। न्यूजीलैंड ने भी अटैक नहीं किया इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने बड़े प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के मैच को खत्म किया है क्योंकि ग्राउंड छोटे हैं, आउटफील्ड तेज है, तो आपको यहाँ पे इज वैल्यू फॉर योर मनी। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में जो टीमें ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलेंगी 325-350 के करीब देखेंगी उनके लिए हमेशा चांस होगा ये मैच जीतने के लिए। ठीक है जी। मैं रिजवान सर से एक बात पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि बाबर ने जो अभी मैच में इतना अच्छा खास परफॉर्म नहीं कर पाए एज ए कैप्टन, मतलब ये बातें पहले भी हम शो में कर चुके हैं कि उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, फिर इंडिया की तरफ से आए दिन कोई ना कोई इस तरह की बात आ रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी अपसेट हो जाती है सिचुएशन सारी, फिर वो जो ग्राउंड है उसके कुछ इशूज़ हैं उनको लेके भी थोड़ा सा मतलब क्रिटिसिज्म चल रहा है, तो मेजरली आपको क्या लगता है, आपने साइकोलॉजिस्ट का मतलब आपका बैकग्राउंड है सारा कुछ, तो आपको क्या लगता है कि मेन रीज़न क्या है कि बाबर नहीं परफॉर्म कर पाए आज के मैच में, वो प्रेशर है या क्या चीज़ है? जी तैमूर भाई, अच्छा मुझसे पूछ रही है जी, आपसे पूछ रहे हैं बल्कि मैं साथ ऐड भी कर देता हूँ मैं, आप तो बाबर आजम का एरा कहते हैं कि बाबर आजम या रिजवान का एरा, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपने समझते कि बाबर आजम के ऊपर भी प्रेशर है? एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे वर्धा ने सवाल किया कि बाबर के ऊपर प्रेशर की वजह से उसकी परफॉर्मेंस तो मुतासर नहीं हो रही कहीं पे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में बाबर को मैं जितना जानता हूँ बाबर अपने एक बबल में रहता है, बैट्समैनों के साथ ये चीज़ होता है। देखें बैट्समैन के पास, बॉलर्स के पास तो फिर भी चांस होता है, 6 बॉलें होती हैं एक ओवर के अंदर, बैट्समैन के पास चांस नहीं होता है, एक बॉल पर भी एक अच्छा बॉल पड़े तो वो आउट हो जाते हैं, और बैट्समैन के साथ ये चीज़ होती है। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर ना तो कोई गंदी फॉर्म में, एशिया कप में भी उसने 100 की है, लेकिन अगेंस्ट नेपाल नवी देखें या तो फिर नेपाल को खिलाए ना नहीं नहीं तो बिल्कुल भी नहीं तैमूर भाई, नहीं देखिए तैमूर भाई मेरे एक बात, आपने वो आप ओडीआई में रैंकिंग में नंबर 1 पे आए सर, आपकी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि मे बी द स्टैंडर्ड और जो एक्सपीरियंस है उस टीम का वो इतना नहीं है नेपाल का, लेकिन एट द सेम टाइम बाबर ने किस टीम के अगेंस्ट रन्स नहीं किए आप मुझे ये बता दें, बाबर ने हर टॉप टीम के अगेंस्ट रन्स किए, तो बाबर के ऊपर हमें
इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हमारा वो कप्तान है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कि इवन इंडियंस भी ये बात कह रहे हैं कि मतलब ही इज इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। और रिजवान जो है वो रिजवान फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म में। श्रीलंका के अगेंस्ट भी उन्होंने आखिरी मैच जो पाकिस्तान ने एशिया कप का खेला उसमें उन्होंने 80 रन बनाए। फिर यहाँ पे वार्म अप मैचेस में बाबर और रिजवान ने दोनों ने रन किए। मैं इतना ज़्यादा वरी नहीं करूँगा बाबर के ऊपर बिल्कुल भी या फ़खर जमान के ऊपर। मेरे ख्याल में फ़खर जमान भी रन करेंगे और बाबर भी रन करेंगे। मैं तैमूर भाई सॉरी, मैं आपको रोकूंगा, अब मैं आपको आगे नहीं जाना। मुझे बताएं फ़खर जमान कब रन करेंगे, वो मैच मुझे बता दें। हमारे नाज़रीन भी सुन रहे था कि वो भी ज़रा एक्साइटेड हो जाएं कि फ़खर भी कोई रन करने। अब मेरा ख्याल है वो जो 10 मैचेस में एक वाला मामला होता है, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। अब तो 10 मैचेस से भी ज़्यादा गुजर गए, कोई रन नहीं कर पा रहे फ़खर। नवीद, आपने भी कहा कि मैंने इसी टीम के साथ, इन्हीं प्लेयर्स के साथ मैंने काम किया है और मैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। फ़खर जमान ने अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखता है और उसको इस फेलियर या जो भी एक लीन पैच, मैं कहूँगा फेलियर इज़ अ हार्श वर्ड, ये जो एक लीन पैच है उसको बिल्कुल आइडिया होगा। और अगर आप उसकी गेम में थोड़ी सी एडजस्टमेंट देखें तो उससे अपने गेम को एडजस्ट किया, वो अपने गेम को बड़ा अच्छा एनालाइज करता है, वो बहुत अच्छे तरह गेम का और वो उन एडजस्टमेंट्स के साथ यकीनन वो थोड़ा सा जहाँ पे उसको टाइम मिलेगा और वो टाइम लेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट जहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल बैट से रन्स होना शुरू हो गए, ये फ़खर जमान की बैटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ जी, आपकी ऑडियंस का जिससे रिलेट कर सके। फ़खर जमान उस वक्त रन्स करते हैं जब फ़खर जमान अर्ली ऑन हॉरिजॉन्टल बैट से शॉट्स खेलते हैं ऑन द ऑफ साइड, जब वो स्क्वायर ऑफ द विकेट यानी कि जब वो पॉइंट और कवर को डाइसेक्ट करते हैं और वहाँ पे उनके जब शॉट लगना शुरू होते हैं तो वही हॉरिजॉन्टल बैट फिर लेटर ऑन उनकी इनिंग में अक्रॉस द लाइन भी जाता है और फिर वो मिड ऑन और मिड विकेट और काउ कॉर्नर को भी इस्तेमाल करते हैं। और वो चीज़ वक्त होती है जब फ़खर जमान वेट करें बॉल का, बॉल की तरफ चल के ना खेलें, उनका बैलेंस अच्छा रहे, क्योंकि फ़खर जमान हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं, अपने फुटवर्क के साथ नहीं खेलते हैं। उनकी बॉडी को ज़्यादा बैलेंस चाहिए, उनकी बेस स्ट्रांग होगी तो वो हॉरिजॉन्टल बैट्स खेल सकेंगे। और जब हॉरिजॉन्टल बैट आप शॉट खेलते हैं तो आप बॉल को बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे से करीब से खेलते हैं, बैट के आप अपने करीब आने देते हैं। तो मेरे ख्याल में फ़खर बॉल की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, अब फ़खर जो है वो बॉल का थोड़ा सा वेट करके खेल रहे हैं। और हमने देखा जो आज भी उन्होंने 3 चौके मारे, ही लुक्ड इन कंट्रोल। मेरी फ़खर से बड़ी डिटेल में बात भी हुई है और फ़खर जो है वो इज़ वेरी होपफुल और He is not worried at all. एक थोड़ा सा lean patch है और वो he is very very confident. और मेरे ख्याल में एक one innings जो आप मेरे ख्याल में अगले या उससे अगले मैच में फ़खर जमान की तरफ से आप देख चले आप कहते हैं तो हम मान लेते सर अगेंस्ट श्रीलंका और इंडिया फ़खर जमान परफॉर्म करेंगे। पर जो बात जो मैंने अभी तक एनालिसिस की ये है फ़खर जमान के हवाले से, फ़खर जमान को रीड कर लिया गया है, उन्हें जो बॉलर्स हैं उन्हें पता लग गया है कि फ़खर जमान कहाँ पे उनका वीक पॉइंट है, वो वहीं पर बॉल करते हैं जिसकी वजह से हमेशा वो आउट भी। अच्छा चलें एक और आगे चलते हैं, ज़रा सऊद शकील की बैटिंग पर बात करते हैं। 52 बॉल को उन्होंने फेस किया और 68 रन्स बनाए, इस दौरान उन्होंने 9 चौके और एक छक्का भी मारा। साथ उनके अगर रिजवान की बात करें तो उन्होंने भी 68 रन्स बनाए और 8 चौके और छक्का कोई खैर वो नहीं मार सके। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सऊद शकील का फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको? बहुत बेहतरीन क्रिकेट, बहुत बेहतरीन अंदाज से और जो उनका स्टाइल है, आप फ्यूचर में सऊद शकील को कहीं ना कहीं बाबर आजम या उस टाइप का बैट्समैन देखते हैं कि जो एक दुनिया का टॉप रेटेड बैट्समैन हूँ? नवीद excuse me जी देखिए बाबर आजम वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर होता है। जो बाबर आजम जैसे प्लेयर होते हैं, विराट कोहली हो जाए, बाबर आजम हो जाए, अगर मैं पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर्स का नाम लूं, पाकिस्तान में बहुत ग्रेट बैट्समैन गुजरे हैं, लेकिन एक ऐसे बैट्समैन थे पाकिस्तान के जिनको देखने के लिए शायद मैं भी या आप भी पैसे दें कि हम जाके ग्राउंड में उनको देखें, वो मोहम्मद यूसुफ थे। वो इतने स्टाइलिश थे, ऐसा लगता था कि वो पोइट्री कर रहे हैं जब वो अपने शॉट्स कवर ड्राइव्स खेलते थे, मतलब एक क्लास थी उनकी। तो वो लोग अट्रैक्ट करता है इस तरह का बैटिंग स्टाइल लोगों को। बाबर आजम का एक ऑरा के साथ साथ बाबर आजम का ये एरा है, बाबर आजम पे एक खास करम है। बाबर आजम से आप किसी को ना मिलाएं, वो एक और ही डिफरेंट लीग है। बाबर आजम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जो रूट, केन विलियमसन, ये एक और एक लीग होती है। ये हर एरा के अंदर हर 10-15 साल में आपको एक ऐसी लीग मिलती है, उसके अंदर जाने के लिए सऊद शकील कोई भी जा सकता है, लेकिन आपको फिर उस तरीके की परफॉर्मेंस, उस तरीके से आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। और जो इंग्रेडिएंट्स सऊद शकील के अंदर वो सारे नज़र आ रहे हैं। आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर वो इस तरीके से कंटिन्यूटी के साथ और इस तरीके से वो इनिंग्स खेलते रहे। देखें जो सबसे अच्छी चीज़ है,
130 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो जी जी बिल्कुल शकील, और आप उनको वो टेस्ट मैच से उनकी ग्रेजुएशन हुई है वनडे क्रिकेट में, यानी कि नॉर्मली आप वनडे और T20 से टेस्ट मैच क्रिकेट में ग्रेजुएट होते हैं, तो वो और लोगों ने उनके ऊपर एक टैग लगा दिया था जिस तरीके से शान मसूद के ऊपर भी लगाया गया था कि ये टेस्ट मैच का प्लेयर है, लेकिन उन्होंने लेकिन जिस तरीके से वो चारों तरफ ग्राउंड के बॉल को खेलते हैं, खासतौर पर स्पिनर को जिस तरीके से वो खेलते हैं, और अब तो वो फास्ट बॉलर को भी बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, और जिस तरीके से वो बाउंड्री लेते हैं, जिस तरीके से वो गैप क्रिएट करते हैं और गैप हासिल करते हैं, फिर अब छक्के भी वो मारना शुरू हो गए, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त साइन है मिडल ऑर्डर में। हमारा कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, नवीद आपको पता है कि मिडल ऑर्डर के ऊपर बड़े सीरियस कंसर्न्स थे, तो मेरे ख्याल में साउथ शकील को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि मैंने कल भी एक ही प्रोग्राम में ये बात की थी कि मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को यहाँ पे आगा सलमान के साथ जाना चाहिए। साउथ शकील लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं और हमने उनको टेस्ट मैच में बॉल करते भी देखा है, सो अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल उनको उनसे उनको आप बॉल भी करवा सकते हैं, एक दो ओवर मेरे ख्याल में वो भी निकाल के दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में साउथ शकील इज अ ब्रिलियंट एसेट फॉर पाकिस्तान, लेकिन आप बाबर आजम या उनसे अभी प्लीज मिला के उनके साथ ज्यादती ना करें, और बाबर को तक या किसी भी बड़े प्लेयर तक पहुंचे, अभी तो उनका स्टार्ट है ये करियर का, यू नो आप 2-3 साल बाद हम ये बात कर सकते हैं कि वो किस कंसिस्टेंसी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा तैमूर भाई, जहाँ पे हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से मज़ीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था अगेंस्ट नेदरलैंड, लेकिन वहीं पर एक और चीज़ भी बड़ी खुल के सामने आई है। नंबर वन, 3-4 चीज़ों के ऊपर बातचीत चल रही थी। सबसे पहले तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पे चलें, वो आज फिर से कोलैप्स हुआ, वहाँ पे जो लोगों के खदशात थे वो बरकरार हैं अभी भी कि इन फ्यूचर क्या होगा, अगेंस्ट श्रीलंका क्या होगा, अगेंस्ट इंडिया क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करेगा टॉप ऑर्डर से जो हमारे, नंबर वन। लेकिन उसके नीचे के राज मिडिल ऑर्डर वाला जो मामला था, आज सऊद शकील ने और रिजवान ने खेल की और एक अच्छी पार्टनरशिप बना के, देन उसके बाद नीचे इफ्तिखार ने और जो शादाब हैं उन्होंने ये किया कि यार ठीक है कम से कम पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर भी कभी कभी चल जाते हैं अगेन। फिर अगर आप नीचे आ जाएं और आप स्पिनर्स की बात कर लें तो स्पिनर्स के ऊपर भी जो खदशात थे लोगों को, आज उन्होंने भी 3 विकेट्स ली हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा रन उन्होंने नहीं दिया अगेंस्ट नेदरलैंड, तो चीज़ें समझ आती हैं लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी स्पिनर्स को। फिर जो पेसर्स में बात की जा रही थी हसन पे, हसन अली पे, आज उन्होंने जो 2 विकेट्स हासिल किए और जो रन्स दिए 7 ओवर करवा के, वो भी मतलब बेहतर थे। एक खुशगवार एहसास था कि चलें हसन भी हैं, वो अच्छी बॉल कर लेंगे नई बॉल के साथ। आप इस सिनेरियो में कैसा देख रहे हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था नहीं जीत पाया, अलबत्त पाकिस्तान ने 3 फॉर्मेट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म किया। नवी, 3 जो टॉप आपके ऑर्डर बैट्समैन है उनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मिडिल ऑर्डर आपका सेटल लग रहा है, इफ्तिखार बहुत अच्छी फॉर्म में आए वर्ल्ड कप के अंदर, इवन दो आज वो इतने ज्यादा रन नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इफ्तिखार एक बड़े ही एक बहुत ही जबरदस्त पैच से गुजर रहे हैं, एक फॉर्म के एक बड़ा ग्रीन पैच है उनका, और ये पाकिस्तान को ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इसके ऊपर तो है ही कि इफ्तिखार की बॉलिंग की एबिलिटी भी आज हमने देखा, पहले ही बॉल पे आके उन्होंने बोल्ड किया और जिस तरीके से वो हिट करते हैं बॉल को एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। दरमियान में थोड़ा सा कंसर्न नंबर 5 के ऊपर हो रहा था, वो साउथ शकील ने बड़ा अच्छा पूरा किया, पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंस मिला है वहाँ से, लेकिन ऊपर के आपके ओपनर्स का स्टैंड बहुत ज़रूरी है नबीद यहाँ पे, और अगर फखर जमान और इमाम एक अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं किसी भी मैच के अंदर तो ऑब्वियसली वो बाबर आजम के ऊपर से भी प्रेशर हटाएगा और फिर हम एक बड़ा स्कोर करता पाकिस्तान टीम को देखेंगे। पाकिस्तान बहुत बैलेंस लगी है मुझे, ऑब्वियसली हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कहीं ना कहीं पे हमें नजर आएगा, मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर पाकिस्तान हसन अली को ड्रॉप करके कंडीशंस के हिसाब से उसामा मीर को खिलाते हैं और 3 स्पिनर्स के साथ जाता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज। नवाज हो सकता है फिर नया बॉल करें, क्योंकि आपको पता है PSL के अंदर भी नवाज को एक्सपीरियंस है नया बॉल करने का, और हमने देखा के नेदरलैंड की तरफ से आज नया बॉल किया गया, ऑफ स्पिनर ने बॉल किया रियान दत्त ने और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, तो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास पूरे हैं। पाकिस्तान के पास बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन हमें बनता नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फैंस को बहुत एक्साइटेड होना चाहिए पाकिस्तान टीम के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब भी ICC इवेंट्स वगैरह में आती है दे हैव टू पिक एट द राइट टाइम, एक स्लो स्टार्ट करते हैं लेकिन जब वो पीक करना शुरू करते हैं वो पीक ऐसे टाइम पे होता है कि वो पाकिस्तान टीम को फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल पे ले जाता है। अगर आप पिछले कुछ साल देखें तो 2-3 साल में जितने ICC इवेंट्स हुए नवीद पोस्ट कोविड, पाकिस्तान हमेशा फाइनल खेला है उनका, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, और मेरी तो शायद
मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी ये प्रेडिक्शन भी है कि मुझे इस दफा लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का फाइनल पहली दफा खेला जाएगा क्रिकेट की हिस्ट्री में। अच्छा, आप यानी कि पाकिस्तान और इंडिया को फाइनल में देखें। अच्छा तैमूर भाई, पाकिस्तान को आप जो जिसे आप गोल्डन बॉल कहते हैं, 60 बॉल जो होते हैं उससे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? अगर नेदरलैंड की परफॉर्मेंस देख लें ओवरऑल, तो वो भी हमने देखी कि पाकिस्तान से मिलती जुलती बल्कि पाकिस्तान से बेहतर थी शॉर्ट बॉल्स में। पहला पावर प्ले जो पाकिस्तान ने, वो पावर प्ले को हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे, क्या कहेंगे इस पर? नवीन देखें, पावर प्ले लोगों को थोड़ा सा मैं आपके इधर ऑडियंस को समझाऊं, क्रिकेट के रूल्स चेंज हो चुके हैं। पावर प्ले क्रिकेट के अब पावर प्ले वाला वो पुराने जमाने के जो पावर प्ले के रूल्स थे अब वो नहीं है। असल पावर प्ले 11वें से 40वें ओवर तक है। अब अगर आप देखें, पहले से लेके 10वें ओवर तक दो फील्डर बाहर हो सकते हैं, फिर 11वें से लेके 40वें ओवर तक आपको 5 फील्डर सर्कल के अंदर रखने हैं, और फिर बॉलर और कीपर को अगर आप मिला दें तो 7 फील्डर अंदर हैं, सिर्फ 4 जो हैं वो दायरे से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए 11 से 40वें ओवर के दरमियान टीम्स जो हैं वो रन्स को एक्यूमुलेट करती हैं, क्योंकि बैट्समैन के पास गैप ज़्यादा होते हैं, बाउंड्री पर ज़्यादा लोग पेट्रोल नहीं कर रहे होते। फिर पावर प्ले बैक इन द डेज पावर प्ले दोबारा आता था 41वें से 50वें ओवर के अंदर, अब उसको चेंज कर दिया, अब 41वें से 50वें ओवर के अंदर आप फिर एक फील्डर बाहर निकाल सकते हैं। सही, तो ये रूल्स चेंज हो गए हैं। बैट्समैनों के पास 11वें से 40वें ओवर तक बहुत ज्यादा रूम है, क्योंकि नए रूल्स के मुताबिक रन स्कोर करने का, क्योंकि 5 फील्डर दायरे के अंदर होने होते हैं। ठीक है नवीद, अगर बात की जाए हसन अली के ऊपर, आज तो हसन अली ने अच्छा परफॉर्म किया मैच। अच्छा, तो अगर बात कीजिए फ्यूचर मैचेस के हिसाब से, मतलब कदर बेहतर था उनका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मैचेस, समझते हैं कि वो नसीम शाह को कवर कर पाएंगे और जो हमारी पब्लिक है उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर पाएंगे? आप हसन की बात कर रही हैं? जी, हसन अली की बात कर रही हैं। बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल हसन अली का। वैसे आज जैसे उन्होंने 2 विकेट्स उन्होंने लिए, 7 ओवर्स किए और कुछ रन भी दिए उन्होंने। नसीम शाह को तो नहीं, अलबत्त ये कि वो अपनी एक स्टेज है, अपनी एक जगह है, वो कुछ शायद बनाने में कामयाब हो जाएं। जो हसन अली हैं, हसन अली मीडियम फास्ट बॉलर हैं, नसीम शाह मुकम्मल फास्ट बॉलर थे, 140 से लेकर 150 के अराउंड वो बॉल करते थे। जो हसन है 120 से 130 के दरमियान बॉल करते हैं, लेकिन ये कि हसन अली की एक अपनी बॉल है। आज उनकी जो बॉलिंग है उसने साबित किया कि शायद वो कहीं बेहतर हो सकेंगे, बेहतर होंगे भी, और पाकिस्तान को मे भी नसीम शाह के मुकाबले में तो नहीं, अलबत्त वो अपनी एक जगह बनाने में कामयाब होंगे। वैसे ये बात है जो ये हम अपने एक्सपर्ट से ही पता कर लेते हैं। तैमूर, आप इस बारे में क्या ख्याल है आपका? जो हसन अली हैं, हसन नसीम शाह की जगह तो नहीं ले सकते? नसीम शाह की एक अपनी जगह है, वो अपने तरीक़ाकार के साथ बॉल करते हैं, उनका पेस अपना है, उनका लाइन लेंथ अपनी है, लेकिन हसन का फ्यूचर क्या देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप में अभी एक मैच हुआ वार्म अप को छोड़ के, तो अगले मैचेस में वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे या छोटी टीम थी इसलिए उन्होंने 2 विकेट्स भी और कम रन्स दे के 7 ओवर्स करवा लिए? देखें, कोई कंपैरिजन बॉलर्स का बनता इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तो हसन के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 2 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के विनर हैं, पर एट द सेम हसन अली एक इंजरी की वजह से बहुत अरसा क्रिकेट से बाहर है, फिर उन्होंने कमबैक किया। मैं इंग्लैंड में जब वो वॉरविकशायर के लिए खेल रहे थे तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं 2-3 मैच उनके देखने भी गया, मेरी हसन अली से मुलाकात भी हुई, मेरी बात भी हुई, वो बड़ा फिट महसूस कर रहे थे और उन्होंने दिन में 3-3 4-4 स्पेल किए, 3-3 4 ओवर्स के, और ये फिटनेस शो करती है। तजुर्बा बहुत ज़्यादा है देखिए, और इन कंडीशंस में तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, वो रिवर्स भी कर सकते हैं। इवन दो उनका पेस थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन जितनी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे वो एक रिदम में आते रहेंगे। उन्होंने वार्म अप में भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। नसीम शाह के ऊपर बात करने का इससे फ़ायदा नहीं है क्योंकि नसीम शाह वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। सही, तो हमें उस मूव ऑन करना है। इस वक्त जो हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, हम उसी के ऊपर फोकस करें तो वो बेहतर है, और वो अपने रोल्स उनके अगर आइडेंटिफाई हो जाए। हसन अली का रोल बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया है बाबर ने और टीम मैनेजमेंट ने कि वो नया बॉल करेंगे, और आज उन्होंने 5 ओवर का नया बॉल से स्पेल किया, हो सकता है वो कल को 7 ओवर्स का भी स्पेल कर दें, क्योंकि हसन की ऐसी फिटनेस है कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो लंबी क्रिकेट खेल पे आए वर्ल्ड कप के अंदर, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो काउंटी क्रिकेट 4-डे क्रिकेट रेगुलर खेल के उन्होंने वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह बनाई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी लग रही है। इट्स जस्ट अबाउट कि ये जो ऊपर के हमारे खासतौर पर जो ओपनर्स हैं वो एक अच्छा स्टार्ट दें, तो फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान एक लंबा स्कोर कर सकेगा। तैमूर, नवाज के ऊपर भी बात कर रहे थे, शादाब पे तो चले बात हो गई है, नवाज 7 ओवर 31 रन, 1 खिलाड़ी आउट, फिर 39 रन भी उन्होंने बनाए। आपको एज अ मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में आपको कैसे दिखते हैं नवाज, और वो उनकी स्पिन है जो, अब वो कैसे दिखती है? आज की जो बॉल थी उनकी,
वो भी आपने देखी, अगले मैचेस में आप उनको कैसा परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, नवाज को मैं एज अ मिडिल ऑर्डर आप कैसा देख रहे हैं आज? नवीद पाकिस्तान के पास एक जो सबसे बड़ी लग्जरी है वो ये है कि नवीद के आप नवाज और शादाब दोनों एक तरह से, अगर आप नवाज का रिकॉर्ड देखें तो बेसिकली वो बैट्समैन थे, उनका फर्स्ट क्लास का अगर आप रिकॉर्ड देखें फिर उन्होंने बॉलिंग शुरू की, तो नवाज ने हमेशा ऊपर बैटिंग की है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी। नवाज का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एज अ बैट्समैन भी, बॉलिंग में बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी जो है वो नीचे गई है, लेकिन जब एक ऑलराउंडर जब एक चीज में रन करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर उन्होंने बैटिंग में रन किए, तो वो हमने देखा कि उनकी बॉलिंग में भी उसका कॉन्फिडेंस हमें नजर आया। और अगर आप देखें सबसे मेन की प्लेयर था नीदरलैंड का, उसको नवाज ने ही बोल्ड किया और उसको आउट किया। पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ी लग्जरी है वो ये कि शादाब और नवाज फ्लोट कर सकते हैं, पाकिस्तान उनको फ्लोटर भी यूज कर सकता है और पाकिस्तान ने उनको पास में ये किया भी। और जिस तरह वर्ल्ड कप प्रोग्रेस होगा हम देखेंगे कि अगर कहीं पे कोई एक कलेप्स आता है तो नवाज या शादाब जो हैं वो ऊपर बैटिंग करने आएंगे, और ये होगा अगर तो इस तरीके से कोई कलेप्स होता है। और दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में बैटिंग की, और दोनों की जो पार्टनरशिप है उसने पाकिस्तान को एक तरीके से सेव किया और पाकिस्तान रिस्पेक्टेबल टोटल बोर्ड पे लगाया अगेंस्ट नीदरलैंड। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ इन दोनों के बैटिंग के जो कैपेबिलिटी है वो हम सबको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है। सही। अच्छा तैमूर क्या कहना चाहेंगे, जो कल का मैच हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, उस मैच में लोगों ने बड़ा हाई रेट किया हुआ था इंग्लैंड को, लेकिन टॉप ऑर्डर उनके नहीं चल सके और वो मार खा गए। अगेंस्ट न्यूजीलैंड है जो उन्होंने जो पहला खिलाड़ी है वो तो आउट हो गया बहुत जल्दी, लेकिन बाद में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप बनी। मैं जानना चाह रहा हूँ जब सेमीफाइनलिस्ट की बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इंडिया को तो सारे रखते हैं, लेकिन चौथी टीम पे बात करें तो कोई न्यूजीलैंड को और कोई पाकिस्तान को रखता है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ने कल खतरे की घंटी बजा दी है इंग्लैंड को हरा के और 9 विकेटों से हरा के। आप न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं और सेमीफाइनल में उसकी जगह बनती देखते हैं या नहीं? देखिए नवीद, मैं तो ये पिछले एक महीने से जितने भी चैनल्स पे और टीवी चैनल्स पे और डिजिटल के ऊपर जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड को सेमीफाइनल में नहीं देख रहा। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इंग्लैंड एक अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलता है और उनके पास वो बॉलिंग अटैक नहीं है कि जो उनको, अगर तो वो डिफेंड कर रहे हो तो वो उस स्कोर को डिफेंड कर सकें। इंग्लैंड जब तक 400 या 400 प्लस नहीं करेगा पहले बैटिंग करते हुए, तो उनकी बॉलिंग के पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है कि वो जाके उस स्कोर को डिफेंड कर सकें। इंग्लैंड अपनी कंडीशंस के अंदर तो बड़ी आइडियल है, आप अगर उनकी बॉलिंग अटैक देखें, सैम करन हो गए, वोक्स हो गए, 125-130 माइल्स पर आवर, इसके ऊपर जिस तरीके से T20 की वजह से क्रिकेट एवॉल्व हुई और बैट्समैन के शॉट और स्किल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, तो इस तरह की बॉलिंग को कोई खातिर खा कोई उस खाते में नहीं लेके आता। सही। खासतौर पर जो बैट्समैन है तो उन पर रन्स रुकते नहीं हैं, और ख़ासतौर पे सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड अगर आप देखें तो दो फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ खेला, आदिल रशीद और मार्क वुड, उन दोनों के ऊपर उन्होंने अटैक किया, तो बाकी उन बॉलिंग लाइन है वो सारे ऑलराउंडर्स हैं, क्रिस वोक्स ऑलराउंडर हैं, सैम करन ऑलराउंडर हैं, मोइन अली ऑलराउंडर हैं, लिविंगस्टन ऑलराउंडर हैं। सही। तो इंग्लैंड का जो अपना एक उन्होंने एक अपना एक मॉडल बनाया है वो ये कि हम हाँ चेज करते हुए इंग्लैंड से बेहतरीन कोई टीम नहीं होगी, लेकिन अगेन क्रिकेट में बहुत से वेरिएबल्स होते हैं, टॉस का भी फैक्टर होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड को सेमीफाइनल में नहीं देख रहा। मेरे ख्याल में इंग्लैंड बहुत बुरे तरीके से न्यूजीलैंड ने उनको एक्सपोज कर दिया है, और जहाँ पे अगर इंग्लैंड किसी भी मैच में 350 भी करता है तो मेरे ख्याल में दूसरी टीम आराम से चेज कर लेगी अगेंस्ट इंग्लैंड बॉलिंग। सही सही। नवीद, अगर फ्यूचर की अगर बात की जाए तो मुझे पर्सनली ये चीज़ महसूस हुई है कि हम जहाँ पे समझते हैं कि टीम की मोटिवेशन और टीम का जज्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इधर ये मुझे लगता है कि पब्लिक का जो मोटिवेशन लेवल है, पब्लिक का जज्बा है, पब्लिक का क्रिटिसिज्म है, सपोर्ट है, वो सब कुछ भी टीम को अफेक्ट कर रहा होता है। तो जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, टीम को सपोर्ट करेंगे, जितना कम क्रिटिसिज्म होगा और प्लेयर्स के ऊपर जितना कम कमेंट्री होगी, नेगेटिव कमेंट्री जितनी कम होगी, उतना ज़्यादा वो भी पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जबकि हमारी तरफ से जितना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे ओपोनेंट्स के ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ इशूज़ वैसे ही टेररिज्म के मुताबिक हों या ग्राउंड के रिलेटेड हों, वो पहले ही सामने आ चुके हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इफेक्ट ऑब्वियसली हो रहा होता है प्लेयर्स के ऊपर।
तो हमें मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए एज कंट्री, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी टीम गई हुई है वहाँ पे, हमें रिप्रेजेंट करिए, तो हमें भी उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए पॉजिटिव जज्बे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है वर्दा, और हमें पॉजिटिव होना चाहिए। पाकिस्तान के सारे लोग, स्पेशली पाकिस्तान की टीम जब इंडिया में मौजूद हो तो फिर कम से कम सारे लोग ही पॉजिटिव होते हैं। बट कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वो होना लाजमी भी होता है कि टीम की परफॉर्मेंस, अलबत्ता ये जो चीज़ें सारी की सारी ये उन तक नहीं पहुँची होती क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं मीडिया से, सोशल मीडिया से टीम दूर होती है। इस दौरान जब एक इवेंट चल रहा होता है तो फिर उस वक्त ये सारे सारे लोगों को, इनके जो कोचिज़ हैं वो इन चीज़ों से दूर रखते हैं, टेलीविजन से दूर रखते हैं, सोशल मीडिया से, और प्लेयर्स खुद भी रहते हैं क्योंकि इफेक्ट कर रहा होता है सारे का सारा चीज़ उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। बट पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम मौजूद है इंडिया में, और हम यकीनन सपोर्ट करेंगे उसको, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए जब जो 14 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और यहाँ पर ये बात भी कि अहमदाबाद में दहशतगर्दी का अलर्ट भी जारी किया गया है, पाकिस्तान की टीम वहाँ जाके मैच भी खेलेगी, बीजेपी के लोग भी वहाँ मौजूद होंगे, बड़े प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान जो ग्रुप्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। मैं तैमूर आपसे जानना चाहूँगा, हम ज़रा आज के मैच से हट के ज़रा पाकिस्तान वर्सेज इंडिया पर बात करते हैं, 14 तारीख को अहमदाबाद में होगा, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कितना होगा, इंडिया के ऊपर प्रेशर कितना होगा? वहाँ पर टेररिस्ट अलर्ट भी है, वो भी जारी किया जा चुका है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी पाकिस्तान की टीम की जो उनकी कंडीशन है, जिस तरह से वो खेलते हैं, उनके खेल को इफेक्ट करेंगे क्या? देखिए नवीद, बिल्कुल एक्सटर्नल फैक्टर्स का एक इफेक्ट होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर टीम मैनेजमेंट इस चीज़ पे कामयाब हो जाती है कि वो प्लेयर्स को सोशल मीडिया और इस चीज़ पे इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगाए इस तरह के इवेंट्स के अंदर, तो उसका एक यकीनन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। प्लेयर्स को एक सेट एनवायरमेंट के अंदर रखा जाए, उनको अपने एक पॉजिटिव बबल के अंदर एक तरह से रखा जाए, और प्लेयर्स का जो फोकस हो सिर्फ क्रिकेट पे हो। लेकिन जहाँ तक आपने टेररिज्म अलर्ट की बात की है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल है कि वो ICC को लिखें, यहाँ से अपनी टीम भेजें जो कि उसका जायजा ले सिक्योरिटी का। ठीक है, पाकिस्तान नेशनल टीम वहाँ पे गई हुई है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन उस टीम का हिस्सा है, दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उस टीम का हिस्सा है, तो दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। अगर आप दूसरी अगर कोई टीम होती तो यकीनन वो दे माइट हैव पुल्ड आउट और वो वेन्यू चेंज करने की बात करते। सो मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना सुन और गुमसुम क्यों बैठा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगता है कि कजाफी स्टेडियम पे ताले लगे हुए हैं और वो बस हॉलीडे कर ही जा रहे हैं, जो चेयरमैन साहब हैं मैनेजमेंट कमेटी के, शुभमन गिल हैं, वो उनको डेंगू हुआ है, बुखार भी हुआ, वो जो इतवार वाले दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा उसमें शायद शिरकत नहीं करेंगे। कितना नुकसान होगा इंडिया को शुभमन गिल के ना होने से? इंडिया यकीनन फेवरेट है, मेरा नहीं ख्याल इंडिया के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि वो शुभमन गिल ऑब्वियसली एक बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। ठीक है, सिर्फ पिछले साल ही उन्होंने 1500 रन स्कोर किए हैं वनडे क्रिकेट के अंदर, सो और एक बहुत ही एक्साइटिंग यंग टैलेंट है। ठीक है, लोग उनको देखना चाहते हैं, फैंस उनको देखना चाहते हैं खेलते हुए, और जिस तरीके से वो सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, मतलब एक यंग प्लेयर की इतनी मैच्योरिटी देखना और इतनी जल्दी यू नो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपने कदम जमाना, तो ये फैंस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, इंडियन फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन आई एम श्योर वो उसे रिकवर करके इंडिया को लेटर ऑन वर्ल्ड कप के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैमूर खान हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और मैं जाते जाते वर्दा आपसे भी एक बात करता था, जब मैच चल रहा था तो आप एक बात कह रही थी और वो ये थी कि सऊद शकील और जब मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे कि पाकिस्तान ये सऊद शकील को पहले क्यों नहीं भेज दिया, लगता है जैसे सऊद शकील ने परफॉर्मेंस अपनी दिखाना शुरू किया वो आहिस्ता से तरक्की करेंगे, और शायद वो जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी निखरेगी और वो ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे होपफुली। तैमूर तो मेरे इस बात से इतफाक नहीं कर रहे थे, अलबत्त ये कि सऊद शकील एक नए पाकिस्तान के टैलेंट बन के सामने आएंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल ऐसा ही है, सऊद शकील का भी और रिजवान का भी मैं कहना चाहूँगी कि दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप दोनों ने आज दिखाई है, मतलब उन्होंने मैच को बिल्कुल ही जिसको कहते हैं रुख बदल दिया है इलाके से। बिल्कुल, क्योंकि जो टॉप बैट्समैनशिप हुई है उसके बाद अवाम जाहिर है मेरे समेत थोड़ा सा डर गए थे कि ये क्या हो रहा है, तो लेकिन उन दोनों ने जो पार्टनरशिप किया उसके बाद बिल्कुल मैच का रुख बदल गया था और थोड़ा सा तसल्ली और होप आ गई थी कि नहीं अभी भी मैच हमारे हाथ में ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन। आज से पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मुकाबला हुआ वर्ल्ड कप की, ये दूसरा मैच था, पाकिस्तान का पहला मैच था और पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 49 ओवर्स में
पाकिस्तान ने 286 रन स्कोर किए, एक ओवर पहले ही पाकिस्तान की आल टीम आउट हो चुकी थी और जब नेदरलैंड ने बैटिंग की तो 205 रन बना के नेदरलैंड की सारी टीम 41 ओवर्स में आउट होगी। पाकिस्तान को 81 रन से फतह मिली है आज के मैच में। पाकिस्तान का जो रन रेट है वो 0.72 के रन रेट से हम सेकंड नंबर के ऊपर विराजमान है। नंबर वन के ऊपर न्यूजीलैंड एक मैच जीत के, नंबर टू के ऊपर पाकिस्तान और नंबर थ्री पे इंग्लैंड और नंबर फोर पे नेदरलैंड की टीम मौजूद है। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन से अपने होस्ट नवीद खोकर और वर्दा मजहर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।